इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसकी शेयर प्राइस पिछले दो महीनों में 300% से बढ़ी है। तो आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन के करंट स्टेटस, करंट बिजनेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कि एक टाइम इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा था, वो रिलायंस जियो के लॉन्च होने से पहले ही स्ट्रगल करने लगी थी। बाद में रिलायंस जियो आने के बाद कंपनी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करने लगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बनाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। कंपनी के ऊपर काफी सारा डेट था, साथ ही कई सारी कंपनीज की पेमेंट्स भी रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से फाइनली कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुई। कंपनी के ऊपर करीब 57,000 करोड़ का बोझ था, जिसमें से ज्यादातर अमाउंट डेट यानी कर्ज थी और कुछ अमाउंट बाकी कंपनीज का पेमेंट्स थी। तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स बेचने के बारे में सोचा और उसके लिए बिडिंग प्रोसेस भी स्टार्ट की, जिसमें रिलायंस जियो और यूवी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने बिड्स लगाई। रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन के टॉवर और फाइबर एसेट्स में इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने टॉवर और फाइबर एसेट्स के लिए बिड लगाई। वहीं यूवी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम, रियल एस्टेट, एंटरप्राइज और डेटा सेंटर बिजनेसेस के लिए बिड लगाई। इन दोनों कंपनीज के मिलाकर 23,000 करोड़ की ये बिड्स है। बैंक्स ने तो ये बिड्स एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अब उन्हें ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए यानी रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स बेचने के लिए NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने जो लोन लिया था उसमें से ज्यादातर लोन सिक्योर्ड लोन था और कुछ लोन अनसिक्योर्ड था। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसे लेने के लिए कंपनी को कुछ कोलैटरल प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि आप व्हीकल लोन के लिए व्हीकल कोलैटरल पर रखते हो। तो यहाँ पर जिन बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन को अनसिक्योर्ड लोन दिया था, यानी बिना किसी कोलैटरल के लोन दिया था, उनका तो लगभग सारा पैसा डूब गया है। वहीं जिन बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन को सिक्योर्ड लोन दिया था, वो लगभग अपना 70% पैसा रिकवर कर पा रहे हैं। करीब 40 बैंक्स ने मिलकर रिलायंस कम्युनिकेशन को 33,000 करोड़ का सिक्योर्ड लोन दिया था, जिसमें से 23,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स बेचकर रिकवर होते नजर आ रहे हैं। यानी टोटल सिक्योर्ड लोन का 70% अमाउंट यहाँ पर रिकवर हो रहा है और बाकी पैसा डूब रहा है। वही इन आधी अधूरी रिकवरी से तीन चाइनीज बैंक्स खुश नहीं हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इन तीन बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन को $925 मिलियन का लोन दिया था। अब इन तीनों बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमोटर अनिल अंबानी को यूके के कोर्ट में खींच लिया, क्योंकि इन तीनों बैंक्स ने जब रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दिया तो उसके लिए मिस्टर अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटीज दी थी, और अब ये पर्सनल गारंटीज उनके लिए बड़ी महंगी साबित हो रही है। तो यूके के कोर्ट ने चाइनीज बैंक्स के फेवर में अपनी डिसीजन दी है और मिस्टर अनिल अंबानी को $100 मिलियन चाइनीज बैंक्स को रिपे करने के लिए कहा है, जिस पर अनिल अंबानी ने कहा कि मेरी लायबिलिटीज को देखा जाए तो मेरी नेटवर्थ फिलहाल जीरो है, इसलिए मैं ये अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यूके कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें $100 मिलियन पे करने के लिए कहा, जो कि उन्होंने अब तक पे नहीं किए हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि यूके कोर्ट उन पर क्या एक्शन लेता है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने SBI से जो लोन लिया था उसके लिए भी अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी प्रोवाइड की थी। अब रिलायंस कम्युनिकेशन से पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो बैंक अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी के बेसिस पर उनसे पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। एक बार तो अनिल अंबानी जेल जाते जाते बच गए थे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इरिक्सन, जो कि नेटवर्किंग और टेलीकॉम कंपनी है, उसका कुछ पेमेंट नहीं किया था, जिसके बाद इरिक्सन कोर्ट चली गई, जिसके बाद कोर्ट ने अनिल अंबानी को 462 करोड़ रुपए पे करने के लिए कहा था। उस टाइम मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की हेल्प करने के लिए सामने आए थे। एक्चुअली जब सब कुछ सही चल रहा था तब रिलायंस कम्युनिकेशन लगातार काफी सारा डेट ले रही थी ताकि वो अपना बिजनेस तेजी से बढ़ा सके, और उसके लिए अनिल अंबानी ने कई बार पर्सनल गारंटीज भी प्रोवाइड की, और जब प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो कंपनी तो प्रॉब्लम में फंसी गई है, साथ ही कंपनी के प्रमोटर भी काफी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इसी तरह की स्टोरीज रुइया फैमिली के बिजनेसेस में भी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन फिलहाल कोई बिजनेस कर रही है? तो जवाब है हाँ। रिलायंस कम्युनिकेशन फिलहाल ग्लोबल सब्सी नेटवर्क, डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस कर रही है, और ये सारे बिजनेस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हैं। अगर इन सारे बिजनेसेस की बात की जाए जो फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन कर रही है, वो सारे बिजनेसेस ऑपरेशनली लॉस मेकिंग हैं। कंपनी के क्लाउड और डेटा सेंटर बिजनेसेस में सबसे बड़ा रोल था रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडियरी कंपनी GCX दैट इज ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज का, लेकिन हाल ही में GCX भी प्रॉब्लम में फंस गई और फाइनली GCX ने US में बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो रिलायंस कम्युनिकेशन अपने टेलीकॉम बिजनेस के बाद बाकी बिजनेसेस को भी धीरे धीरे खो रही है। चलो एक नजर डालते हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस के करंट बिजनेसेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल अपने 4 सब्सिडियरीज के जरिए अपना बिजनेस चला रही है, जो है रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और GCX। अक्टूबर 2019 टू दिसंबर 2019 इस क्वार्टर में रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 2093 करोड़ का लॉस हुआ,
रिलायंस टेलीकॉम को 334 करोड़ का लॉस हुआ, रिलायंस इंफ्राटेल को 132 करोड़, तो GCX को 934 करोड़ का लॉस हुआ। ये सारे बिजनेसेस ऑपरेशनली लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, जिनका रिवेन्यू भी लगातार तेजी से कम हो रहा है। दिसंबर 2019 इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू लगातार गिरकर 263 करोड़ पर आ गया है और इस क्वार्टर में कंपनी के लॉसेस 10,610 करोड़ थे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के लॉसेस के सामने कंपनी का रिवेन्यू बहुत ही निग्लिजिबल है। तो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के फ्यूचर की बात की जाए तो फिलहाल कंपनी की रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है और जो कि बड़े लंबे टाइम से चल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो सभी को समझना जरूरी है वो ये है कि बैंक्स अपना पैसा रिकवर करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन के इस केस में रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स बेचकर पैसा रिकवर कर रही है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि बैंक्स पूरी कंपनी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल रुचि सोया के केस में बैंक्स ने रुचि सोया का बिजनेस पतंजलि को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश की। साथ ही जिन बैंक्स ने आलोक इंडस्ट्रीज को लोन दिया था उन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज का कुछ बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश की। तो जब बैंक्स बिजनेसेस को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करती है तो वहां पर ये चांसेस हो सकते हैं कि जिस कंपनी ने रिजोल्यूशन प्रोसेस में उस बैंक्रप्ट कंपनी को खरीद लिया है वो आगे चलकर उस कंपनी को फिर से ट्रैक पर ले आए। और ऐसे में जो कंपनीज उन बैंक्रप्ट कंपनीज को खरीदती है वो उन बैंक्रप्ट कंपनीज में पैसा भी डालती है ताकि वो उन कंपनीज के बिजनेसेस को आगे चला सके। जैसे कि पतंजलि ने 1150 करोड़ रुपए सीधे रुचि सोया के बिजनेस में इन्वेस्ट किए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए सीधे आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए। लेकिन जब बैंक्स कंपनी के एसेट्स बेचकर अपना पैसा रिकवर करते हैं तब ये प्रोसेस नहीं होती। जब बैंक्स कंपनी के एसेट्स बेचकर पैसा रिकवर करती है तो पहले वो अपना पैसा पूरा रिकवर करती है और बाद में कुछ बचा तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिन बैंक्स ने अनसिक्योर्ड लोन रिलायंस कम्युनिकेशन को दिया था वो अपना कुछ भी पैसा रिकवर नहीं कर पाए और जिन बैंक्स ने सिक्योर्ड लोन रिलायंस कम्युनिकेशन को दिया था वो भी अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बैंक्स को ही अपना पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स को एसेट सेल से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा मिले ये तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस चल रही है और कंपनी के एसेट्स का सेल चल रहा है उससे तो यही लगता है कि कंपनी वाइंड अप की तरफ चल रही है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ी इन सारी चीजों पर आप जरूर ध्यान दें। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केस स्टडी से रिलेटेड आपके जो भी सजेशंस रहेंगे वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कंटेंट पढ़ना पसंद है तो आप हमें कोरा पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारे कोरा चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।